इस रैली को लेकर हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने बात की बीजेपी सांसद से, आइए आपको सुनाते हैं। रामलीला मैदान में रैली अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है। महेश गिरी जी हमारे साथ पहुंचे हैं, यहाँ पर पूरा रामलीला मैदान के लिए पहुंचे हैं। महेश जी, एक बात हर कोई पूछ रहा है कि आखिर बीजेपी की तरफ क्यों हम लोग इस पूरे मामले में कि हम कानून लेकर आने वाले हैं। ऐसा है, बीजेपी का पूरा फोरम बैठा है, अभी अभी इलेक्शन खत्म हो रहा है, दो तीन दिन बीजेपी का फोरम बैठेगा, सब मिलकर के बात करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना आगे तय करेंगे। एक बात तो मैं आपको निश्चित बता दूं, बीजेपी को कोई भी विचार में बंद नहीं है, राम मंदिर नहीं बनेगा, उसको विपक्ष बना करेंगे, पर इतना जरूर है बनेगा, इसमें कोई दो राय और बीजेपी ही बनाएगा। ये तो अंदर जाके आप देखेंगे, एक संकल्प लेंगे राम मंदिर का, राम मंदिर का संकल्प लेंगे। लेकिन पार्लियामेंट में अगर बिल आता है क्या आपको लगता है आगे से देश को तो कम से कम पता चल ही जाएगा कि कौन राम मंदिर के पक्ष में है और कौन नहीं है। अभी जो टका करके अचानक हिंदू बन गए, उनको भी साफ करना पड़ेगा रुख अपना, यानी सबकी कौन खुलने वाली है, बिल्कुल खुलेगी। चलो तो महेश गिरी कह रहे हैं कि कुछ हो ना हो लेकिन राम मंदिर जरूर बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा वो फिलहाल ये बताने की स्थिति में नहीं है। अब देखना ही होगा इस पूरे मामले में कि आज की रैली के बाद क्या कुछ दिशा तय होती है। कैमरा पर्सन विद्याधर परीख के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज।